आप जब डिफेंस परचेजेस पर एलिगेशंस लगाते हैं ना, तो ये राष्ट्र के लिए बड़ा घातक है, क्योंकि उसमें होता ये है कि आपके जो परचेजेस हो रही हैं, एक तो वो रुक जाती हैं और दूसरा जो मनोबल होता है आर्म फोर्सेस का वो गिर जाता है। मेरा मानना तो हरदम ये रहा कि जो CAG की रिपोर्ट्स आती हैं डिफेंस के ऊपर या अन्य जो आपके पॉलिटिशियन बोलते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट होना चाहिए। हाँ, ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए, पब्लिक नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि फिर आम जो आपका सिपाही है वो भी अखबार पढ़ता है, आजकल एजुकेटेड है, आपके ऑफिसर्स पढ़ते हैं, अगर ऐसा क्रिटिसिज्म होने लगा तो अब बताइए। जैसे हमारे ये पहली बार ऐसा हुआ कि एयर चीफ को रफेल परचेज के लिए आना पड़ा सामने, कभी बोलते नहीं हैं, नहीं कभी नहीं बोलते, पर ये अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसा सस्पिशन वो एक शुबा सा डाल दिया है माइंड में। अच्छा, ये कोई नहीं डिनाई करता कि जो खरीदा जाता है रफेल है, ये बेस्ट प्लेन है इस समय, खोज करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, सब टेस्टिंग करने के बाद, ये आपका कंपटीशन के बाद ये सेलेक्ट किया है एयरफोर्स ने। अब ये जो पॉलिसी थी, इसी पर एलिगेशन ज़्यादा हो रहे हैं कि आपने रिलायंस को दे दिया, इस पर नहीं हो रहा कि रफेल में रफेल कैसा है, क्वालिटी कैसी, हाँ क्वालिटी, उस पर नहीं हो रहा है, अब ऑफसेट्स पर होने लगा। ऑफसेट की पॉलिसी तो हमारे करीब 18 साल से चल रही है, ऑफसेट की पॉलिसी, और कोई भी बड़ी कंपनी, मेरी मानना है कि डेसॉल्ट कंपनी जैसे है, कोई ऐसा कभी नहीं अपना पार्टनर ले लेगी लेगी जिस पर उसका भरोसा नहीं है कि मारे या किसी के कहने पर तो नहीं लेगी वो ना, उसका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। तो उन्होंने सब टेस्टिंग करके, और ये भी नहीं कि भाई आप ऑफसेट एक ही कंपनी को दे रहे हैं, वो एक डेसॉल्ट का आ भी गया एक स्पष्टीकरण कि ये तो हमने 20-30 कंपनीज को दिया है अपना ऑफसेट, एक ही कंपनी को नहीं दिया है कि सिर्फ हमने रिलायंस को दिया है, कुछ समझ में नहीं आई कि क्यों इस पर। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास कागज मंगवा लिए हैं, अब जो भी निर्णय रहे, पर डिफेंस परचेजेस कभी भी पॉलिटिकलाइज नहीं होनी चाहिए।